नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ली। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा तेज थी कि जगत प्रकाश नड्डा को मंत्री बनाया जा सकता है। जेपी नड्डा 2012 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। 2014 में जब अमित शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला तो नड्डा को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया था। 2019 में अमित शाह गृह मंत्री बने तो नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। 2020 में उन्हें फुल टाइम अध्यक्ष चुना गया। वैसे भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और किसी भी अध्यक्ष को लगातार 2 कार्यकाल ही मिल सकते हैं। नड्डा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जून 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसका मतलब है कि जून के अंत से पहले ही भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। इससे पहले अमित शाह ने अध्यक्ष पद पर लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़वाकर सभी को चौंका दिया था। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कंगना रनौत को शामिल कर भाजपा महिला सशक्तिकरण को लेकर भी संदेश दे चुकी थी। चर्चा थी कि पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बन चुकी कंगना भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल थी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने के लिए कंगना को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा देकर कोई छोटा मंत्रालय देने के भी कयास लगाए जा रहे थे, जहां रहकर वो सरकार के कामकाज को सीख सकें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।